तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है विद साउंड। तो यहां पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे एरो को इंडिकेट करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या फिर अगर आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में कर्सर इंडिकेट करना चाहते हो ताकि लोग आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को फॉलो कर सकें आसानी से, तो वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला, आप मोबाइल का इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो जो कि आपको मोबाइल के सेटिंग में मिल जाता है। लेकिन जो मोबाइल का इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर होता है वो हर मोबाइल में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मुझे सैमसंग के मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को नहीं मिलता, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, इन सब मोबाइल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है आपके सेटिंग में ही। तो अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिलता है तो यहाँ पे मैं आपको एक्सटर्नल ऐप यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पे Redmi का मोबाइल है और Redmi के मोबाइल में आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँ, नोटिफिकेशन बार में जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखते हो तो इसका सेटिंग ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो का रिजोल्यूशन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे रखना है ताकि आपका अच्छा से अच्छा क्वालिटी रिकॉर्ड हो। इसके अलावा यहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैक्सिमम MBPS पे रखना है 16 पे, या फिर जो भी आपके मोबाइल के स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से अवेलेबल हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन में ऑटो रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलता है ऑडियो सोर्स का। तो कई लोग क्या करते हैं कि ऑडियो सोर्स में म्यूट या फिर सिस्टम साउंड सेलेक्ट करके रखते हैं, तो ऐसे में जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसमें आपका एक्सटर्नल वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको माइक पे सेलेक्ट करके रखना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी मोबाइल का स्पीकर होता है उससे आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा, या फिर अगर आपने एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करके रखा हुआ है तो उससे भी आपका ऑडियो आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेम रेट चूज करके रखना है फिक्स, और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट मैक्सिमम पे रखना है। तो मैं 30 तक अवेलेबल है तो मैं 30 पे चूज कर लूंगा। जितना ज्यादा फ्रेम रेट FPS चूज करोगे उतना ही ज्यादा स्मूथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनेगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सारे सेटिंग को कस्टमाइज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए सिंपली नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे इस बार होल्ड करके नहीं रखना है, सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रेड बटन मिलता है, इस पे आपको सिंपली टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और 5-6 सेकंड का रिकॉर्डिंग हो चुका है। और आपको स्टॉप करने के लिए सिंपली इस पे दोबारा से टैप करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड होकर मेरे गैलरी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको इसे कट करके हटा देना है। तो इस तरह से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके पास मोबाइल में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो कैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करोगे। इसके लिए आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना है, तो वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च में जाकर के सर्च करना है एक्स रिकॉर्डर। यहाँ पे आपको इनशॉट कंपनी का ये ऐप देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो इस ऐप की रेटिंग बहुत अच्छी है, 5 में से 4.7 और 10 करोड़ से ज्यादा इसके डाउनलोड हैं। तो आप इसके रेटिंग से पता कर सकते हो कि ये कितना अच्छा ऐप है और डाउनलोड से आप पता कर सकते हो कि ये कितना पॉपुलर ऐप है। तो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको इसका नाम ध्यान से देख लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डर -X रिकॉर्डर। तो मोबाइल में एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे टैप करना है और यहाँ पे आपसे जो भी परमिशन मांगा जाए आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद ये आपके मोबाइल का सेटिंग ओपन कर देता है। यहाँ पे आपको इस ऐप को स्क्रॉल करके ढूंढ लेना है और यहाँ पे आपको इसे अलाउ कर देना है जो भी परमिशन मांगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है, ओके, और यहाँ पे भी जो परमिशन मांगा जाए अलाउ कर देना है, तभी आप रिकॉर्डिंग चालू कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ सेटिंग चेंजेस करने होंगे ताकि जो भी आपका वीडियो रिकॉर्ड हो वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड हो। ऑडियो देख सकते हो म्यूट मिलता है, तो अभी मैं अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग डायरेक्ट चालू करता तो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ। तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, जैसे माइक्रोफोन, इंटरनल ऑडियो और इंटरनल एंड माइक्रोफोन। तो यहाँ पे मैं जो भी इंटरनल ऑडियो है उसको भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं अपने माइक्रोफोन से भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप दोनों का वॉल्यूम लेवल भी चूज कर सकते हो। अगर आपको नॉइज रिडक्शन करना हुआ तो यहाँ पे आप इस पे भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। उसके बाद जो भी नॉइज आएगा वो कैप्चर नहीं होगा, सिर्फ आपका ऑडियो ही रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से देख सकते हो एडवांस टाइप का फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक्स रिकॉर्डर मोबाइल एप्लीकेशन में, जबकि इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको इस टाइप का फैसिलिटी नहीं मिलता है।
यहाँ पे आपको वीडियो सेटिंग पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो भी आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो वो चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन ऑटो रहने देना है। यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पे आपको वीडियो साइज चूज कर लेना है। यहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करो आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो, मींस 2-3 सेकंड का वक्त मिले आपको रेडी होने के लिए, तो यहाँ पे आप वो भी सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप टच गेस्चर भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, उदाहरण के लिए जैसे ही आप टच करोगे इस टाइप का व्हाइट व्हाइट डॉट आए, तो सो टच भी आप इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ऐप से बाहर आ जाना है और यहाँ पे आपको एक साइड में आइकन देखने को मिलता है। जैसे आप इस पर टैप करते हो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए इस लाल बटन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। स्टार्ट नाउ, अब यहाँ पे आपका काउंटडाउन चालू होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू होते ही ये साइड में आपका छिप जाता है, इस तरह से आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भी इफेक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है इस पर टैप करने के बाद। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप इस पर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको ड्रॉ वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है, ढेर सारे टूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, एरो इंडिकेट कर सकते हो। मान लो मुझे एक ऐप को इंडिकेट करना हुआ जो कि माई जियो ऐप है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इंडिकेट कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना हुआ तो यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में भी दिखाई देगा। और आपको इरेज करना हुआ तो यहाँ पे आप इरेज भी कर सकते हो, या फिर आप कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। और बाद में रिकॉर्डिंग को ऑफ करने के लिए सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। और इस एप्लीकेशन को बाद में बंद करने के लिए कम्प्लीटली बीच में ले आना है और यहाँ पे आपका क्लोज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो उसमें आपका कर्सर दिखाई दे और पॉइंटर दिखाई दे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे फायदा ये होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी दिखाओगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में तो लोग आपको आसानी से फॉलो कर पाएंगे कि कहाँ पे आपको टैप करना है, क्या आपको इंस्टॉल करना है, क्या आपको अनइंस्टॉल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये माउस यूज़ करना पड़ेगा। ये लॉजिटेक का माउस है जो कि मैंने 1200 रुपये में अमेजॉन के वेबसाइट से परचेज किया है। इसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। ब्लूटूथ ऑन करके यहाँ पे आप इसे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप दोनों से कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स ये एंड्रॉयड में भी सपोर्ट करता है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये मेरे मोबाइल को कंट्रोल कर पा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का बटन मिलता है, वो आपको ऑन कर देना है। और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में भी ब्लूटूथ सेटिंग ऑन कर देना है और यहाँ पे आपको माउस का ब्लूटूथ दिख जाएगा। बस आपको यहाँ पे टैप करके कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना होता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे ये कर्सर का साइज है, अगर वो आपको बड़ा दिखता है तो यहाँ पे आप इसे छोटा भी कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको कर्सर सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको लार्ज माउस कर्सर का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में ही आपको माउस के कर्सर को लार्ज या फिर स्मॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी देख सकते हो साइज क्या है, और जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ ये साइज स्मॉल हो जाता है और ये साइज लार्ज हो गया। तो यहाँ पे आप अपने माउस या फिर कर्सर के साइज को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉजिटेक का ये ब्लूटूथ वाला माउस आपको अमेजॉन वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। और दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी टाइप के छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस चैनल से जुड़े हैं, अभी के लिए बाय बाय।